धार जिले के आखिरी छोर पर बसे नर्मदा के किनारे और नर्मदा घाटी से हो रहे अवैध रेत खनन तत्काल रोकने की मांग को लेकर आज मेगा पाठ कर कई कार्यकर्ताओं के साथ कुक्षी पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के द्वारा कानूनी नोटिस दिया। यह बड़वानी, धार, खरगोन, अलीराजपुर इन चारों जिलों के लिए होने वाली कार्यवाही है। धार जिले के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला खनिज अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री के कुक्षी स्थित अनुविभागीय राजस्व विभाग कुक्षी सभी के स्थित कार्यालयों को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस तामीली की गई है। ये नोटिस जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रतिनिधि के नाते मेधा पाटकर की तरफ से दी गई, उसमें 2012 का सर्वोच्च अदालत का फैसला, 2013 के NGT हरित न्यायाधिकरण के आदेश और 2015 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का सरदार सरोवर क्षेत्र के लिए आदेश उल्लंघित है, 2017 का NGT भोपाल के चार जिलों के लिए दिए आदेश का कोई भी पालन नहीं, नर्मदा नदी बर्बाद होकर रेत खनन के कारण जल चक्र खत्म हो रहा है, नर्मदा में रोज सैकड़ों टन मिट्टी फेंकी जा रही है, जो जमीन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नाम सरदार सरोवर के लिए अर्जित होकर दर्ज है उसे खनन के लिए लीज या ठेके पर नहीं दे सकते, ठेका न देते हुए पूर्णतः अवैध खनन जारी है, खुलेआम चल रहे नदी, पानी, हवा, रास्ते, फसलें बर्बाद करने वाले इस कार्य को रोकने की कानूनी जिम्मेदारी का शासकीय कर्ताओं को पालन करना ही होगा। यह चेतावनी नोटिसों के द्वारा दी गई है। माफिया नेटवर्क का दबाव प्रभाव हावी क्यों है? शासन का नर्मदा जैसी नदी को बचाने का कर्तव्य नहीं है? आंदोलनकारी जवाब चाहते हैं। धार के कुक्षी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के अवलदा, छोटा वर्दा, खापरखेड़ा, कड़माल, निसरपुर, चिकलदा के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता हाजिर थे। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। आज नर्मदा घाटी में जो चल रहा है उससे नर्मदा बचने वाली नहीं है। कुछ सालों में नर्मदा यमुना के जैसे खत्म होने जा रही और इसका एक मुख्य कारण है अवैध रेत खनन। जो गौण खनिज है उसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, NGT के आदेश है 2012-2013 के, और सरदार सरोवर क्षेत्र के लिए बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन जिले के लिए कलेक्टर और SP जिसमें प्रतिवादी है वो केस हमने चलाई, तो उसमें 6/5/2015 का उच्च न्यायालय का आदेश है, सरदार सरोवर के लिए अर्जित भूमि में कोई खनिज का दोहन नहीं चल सकता है, न होटल बन सकता है, वो उसी उद्देश्य के लिए अर्जित की गई जमीन है, और 30/5/2017 का आदेश है NGT भोपाल का, जिसमें चेक पोस्ट कैसे लगानी है, स्टाफ कैसे बढ़ाना है, कैसे रोकना है, कैसे जब्त करने हैं, ये सब लिखा हुआ होते हुए भी पूरा शासन और प्रशासन जानबूझकर सो रहा है, ऐसा हमारा अनुभव है। भाग जाते हैं जिनको मालूम होता है कि ये अवैध है, और ऐसी स्थिति में आज हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा लीगल नोटिस सबको तामील की है। वो हर जिले के कलेक्टर, SP, मिनरल ऑफिसर, खनिज अधिकारी जिले के और कार्यपालन यंत्री, कार्यपालन यंत्री NVDA के नाम पर ये अर्जित भूमि है। सार्वजनिक संपदा जिनके हाथ में सौंपी गई है वो उस संपदा की बर्बादी को क्या देख नहीं सकते हैं? रेत जब निकलती है तो भूजल चक्र खत्म होकर नदी खत्म होती है, जैसे TB ग्रस्त या कैंसर ग्रस्त व्यक्ति होता है वैसे तड़प रही है, वसाहतों में पानी नहीं आ रहा है। ये कितनी शर्मिंदा करने वाली बात है। जो नर्मदा के सपूत रहे हैं, नर्मदा में जिन्होंने जिंदगी बिताई है, उनके लिए आज पानी नहीं मिल रहा है और कल सिंचाई भी खत्म होने वाली है, मत्स्य व्यवसाय खत्म होने वाला है, तो आज ही ये जागरूक करना जरूरी है। हमारी केस आज भी जबलपुर हाईकोर्ट में लगी है, उसमें ये सभी प्रतिवादी हैं और इसीलिए इनको हमने आज लीगल नोटिस सर्व करके चेतावनी दी है। तत्काल ये अगर रोका नहीं जाएगा तो हम आगे कार्यवाही करे बिना नहीं रहेंगे। आज हमने कुक्षी के SDM कार्यालय, SDOP कार्यालय, खनिज अधिकारी कार्यालय और कार्यपालन यंत्री NVDA कार्यालय के द्वारा जिला स्तर के सभी अधिकारियों को तत्काल ये नोटिस भेजने का काम किया है। Subscribe now to most exciting channel ever.